मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द जर्नल। अभी बज गए हैं सुबह के 7। आज का प्लान तो क्या, सबसे पहले रूम में चेकआउट करना है 11-12 बजे आके, और आगे निकलना है। तो अभी चंडी देवी टेम्पल है जो पहाड़ों पे बना हुआ, जैसे कल मैं मनसा देवी गया था, ऐसे एक चंडी देवी करके भी टेम्पल है, तो वहाँ जाना है। रोप वे से ऊपर जाना होता है, तो मैंने सोचा कि ये भी कर लेते हैं। और फिर वहाँ से जाना है, स्कूटी जो रेंट पे ली है वो लेने जाना है स्कूटी रेंट पे, और फिर वापस रूम पे आके चेकआउट करना है, और फिर निकलना है देवप्रयाग के। या तो देवप्रयाग जाऊँगा या तो फिर दूसरा ऑप्शन है लंच डाउन, देखते हैं, वो 11-12 बजे के बाद डिसाइड करूँगा। तो अभी निकलते हैं चंडी देवी टेम्पल के लिए। अभी मैं आ गया हूँ चंडी देवी टेम्पल पे। जो रेलवे स्टेशन से चंडी देवी टेम्पल है वो 5 से 6 किलोमीटर है, तो रिकमेंड करूँगा कि आपका पर्सनल व्हीकल ही कर लीजिए वहाँ से आने के लिए, क्योंकि दूर है ये पहाड़ों में। दो ऑप्शन है यहाँ के लिए, या तो आप ट्रैक करके जा सकते हो, और सेकंड ऑप्शन है उड़न खटोला से रोप वे से जा सकते हो। और मैं जा रहा हूँ उड़न खटोला से, 7:30 बजे यहाँ आ गया था, उड़न खटोला 8 बजे के बाद चालू होता है, तो अभी 8 बजे हैं जस्ट, तो जा रहे हैं, टिकट लेते हैं और ऊपर चलते हैं। यहाँ पे चंडी देवी पे जो टिकट का रेट है आने जाने का दोनों, 193 रुपीज़, और यहाँ से ही आप चंडी देवी और मनसा देवी दोनों का भी टिकट ले सकते हो। सभी को ये सैनिटाइज कर रहे हैं। अच्छा, देवी में ऐसा नहीं था, चंडी देवी में सैनिटाइज कर रहे हैं। और ये जो ट्रैवल टाइम था 3 से 4 मिनट था, और पूरे हरिद्वार का अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ से। मंदिर में इतना कुछ खास है नहीं, लेकिन जो मज़ा है यहाँ वो रोप वे में बहुत मज़ा आया। दर्शन करने के बाद जब वापस आ रहा था तो आलू पराठे दिख गए थे। चंडी देवी मंदिर है, उसके जस्ट बगल में स्टॉल है, ट्राई करना वहाँ से। और यहाँ तो एक अलग ही तरह की स्कीम चल रही है ये उड़न खटोला में। रिटर्न में आप, जैसे मैंने नीचे पूछा था कि 1-way टिकट है, तो उन्होंने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन अभी यहाँ पे पता चला कि रिटर्न की अगर आप सिंगल टिकट लेते हो तो एक के साथ एक फ्री है।